खुदावन यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज गॉड गिफ्ट टीवी के इस अफ्तताही तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर चौहान साहब। सो आप खुदावन के बड़े अजीम प्रस्तार हैं और मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक नए स्टाइल के साथ, एक नई आवाज़ के साथ आप खुदावन की प्रस्तिश के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और आपने मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज वो गॉड गिफ्ट टीवी के सेट पर आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं कैसर भाई? ठीक ठाक हैं आप? सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर। खुदा का काम जितना ज़्यादा बढ़े उतना ज़्यादा अच्छा है। सो ये सजाद भाई की इस काविश को आप कैसे जानते हैं? सबसे पहले तो मैं भाई सजाद को दिली तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुदा ने ऐसे लोग चुने हैं जो किसी ना किसी नेमत के वसीला से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और शायद खुदा ने उनके अंदर ये एबिलिटी रखी है, ऐसी नेमत बख्शी है कि वो किसी एंगल से, किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी चैनल के ज़रिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर बहुत से खादमीन, बहुत से नगमा सरा जो खुदा की मदा सराई करते हैं, बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग जो किसी ना किसी मैदान में अपने आप को मनवाए हैं और खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, तो वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस चैनल के वसीला से वो लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँगे। तो मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई सजाद गिल को, गॉड गिफ्ट टीवी को, और मेरी ये दिली दुआ है कि खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को खुदा की कुर्बत में लाए। थैंक यू सो मच कैसर भाई। सो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि दिस चैनल इज़ ओपन फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर ऑल द वर्शिपर्स। जितने वर्शिपर्स हैं और वो चाहते हैं कि वो वर्शिप की खिदमत करें तो वो ज़रूर इस चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भाई सजाद गिल से आप रब्ता कर सकते हैं, उनके नंबर्स आप ज़रूर स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। और फिर इसी तरह मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उस पर ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय का हमेशा इजहार करते रहें और हमेशा दुआ करते रहें, जागते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।